अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाजरा शबीर फ्राम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद फ्राम ईस्टर्न मेडिसिन डिपार्टमेंट एंड थैंक्स डॉक्टर मोहम्मद अकरम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोसेफेलस के बारे में। हाइड्रोसेफेलस क्या है कि इसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेशन हो जाती है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CSF की, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो है वो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाती है विद इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन। अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें यह है कि अब्स्ट्रक्शन हो जाती है फ्लो ऑफ CSF की वेंट्रिकुलर सिस्टम में या सब ऑर्गेनाइड स्पेस में। सब ऑर्गेनाइड स्पेस में क्या है कि ये जो है वो CSF होता है, माइनर ब्लड वेसल्स होती हैं और सिस्टर्न्स होते हैं। उसके अलावा ये एक पार्ट है मेनिंजियल लाइनिंग का जो सेपरेट करता है ब्रेन को फ्रॉम द स्कल। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसकी ब्लॉकेज कैसे होती है, तो ब्लॉकेज जो CSF की है वो किससे होती है, कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जैसे कि स्पाइनल बायफिडा है या कुछ बर्थ डिफेक्ट्स आ जाते हैं ब्रेन के, कुछ ब्रेन इन्फेक्शन आ जाते हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस है। उसके अलावा इसमें जो है वो पस है जो कि ब्लॉकेज कॉज करती है, हैमरेज आ सकता है अराउंड द ब्रेन, और ये क्या है कि समटाइम जो है वो प्री मेच्योरिटी या रप्चर एनोरिज्म की वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बर्थ ट्रामाज आ सकते हैं, ब्रेन ट्रामाज आ सकते हैं और ट्यूमर्स। उसके अलावा यह है कि ब्लॉकेज जो है वो वेंट्रिकल्स में होती है, ठीक है, विद इन देम सेल्फ। इसको हम लोग कहेंगे अब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस, ठीक है, या जो आउटसाइड दी ब्रेन के मतलब एरियाज हैं जो आउटसाइड, उनमें अगर कोई अब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाती है वहाँ पे जाके क्या होगा कि स्पाइनल फ्लूइड जो है वो रीअब्जॉर्ब बैक हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। इसको हम लोग कहेंगे कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। उसके अलावा सीक्रेशंस जो है CSF की वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है ये अगर हम लोग इसकी टाइप्स की बात करें तो एनाटॉमिकली जो है वो क्लासिफिकेशन देखी जाए इसकी, तो नॉन कम्युनिकेटिंग ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस आ जाता है। ये कब होता है, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है वेंट्रिकुलर सिस्टम में जो कि प्रिवेंट करता है CSF को सब ऑर्गेनाइड स्पेस में, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ट्यूमर्स की वजह से हो सकती है, कंजेंटल मालफॉर्मेशन आ जाती हैं या इन्फ्लेमेशन के बाद जो स्कारिंग है उसकी वजह से हो सकती है। उसके अलावा इसमें जो है वो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस की बात करें तो ये तब होता है जब CSF जो है वो मतलब नॉर्मली पासिंग आउट नॉर्मली जो है वो मतलब पासिंग आउट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टम से, लेकिन फ्लो इसमें जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है सब ऑर्गेनाइड स्पेस में। वहाँ पे जाके क्या होता है कि जो रीअब्जॉर्प्शन है CSF फ्लूइड की सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वो कम हो जाती है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हाई प्रेशर हाइड्रोसेफेलस आ जाता है और एक नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसे